Please, come in. Please. Thank you, Mom. Good morning. Have a seat. Ashu ji. Thank you, sir. अपने बारे में बताएंगे? I belong to Delhi. Then I have done my schooling from Sarvodaya Kanya Vidyalaya. I have done my diet from Keshapuram Delhi. Recently I completed my graduation. Then I love to share my hobbies as well. I love to do dance, drama. Drama such as theater and open art activities. I love to do art and craft, listening music too. Then I think I have optimistic attitude. I'm a good motivator, leader, and that's all about me. And what are your weakness? So my weakness is I just got lost in my work. Okay. As an example, अगर मैं अभी classroom में हूँ, मैं कोई topic teach कर रही हूँ, और मैंने observe किया, हाँ students actively participate कर रहे हैं, तो जैसे 40 minutes का period होता है, तो 50 minutes हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं क्या होता है, उससे जो next period में मुझे पढ़ाना होता है, वो lacking कर जाता है, तो मैं work कर रही हूँ मेरी weakness पे, and definitely in future मैं करेगी। आप नुक्कड़ नाटक में भाग लेती हैं? हाँ जी सर। तो आप हमें समझाइए कि आज की तारीख में इन नुक्कड़ नाटकों का क्या योगदान है समाज के निर्माण में, क्योंकि आप मीडिया आ चुका है, अखबार है, न्यूज़पेपर है, टीवी है, इंटरनेट है, सब कुछ है, एंटरटेनमेंट के दूसरे साधन भी है लोगों पास, तो किस तरह से ये समाज के दूसरे तबकों को जोड़ता है? सर मेनली मुझे जहाँ तक लगता है मीडिया एंटरटेनमेंट का नो डाउट रिक्रिएशनल एक्टिविटीज का पार्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मीडिया है वो हमें सोसाइटी के बारे में बताता है कि सोसाइटी अब कैसी है और उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं। इम्प्रोवाइजेशन कि अभी मान लीजिए कोई भी बैड स्किल्स अभी चल रही है, लाइक कुछ भी सोशल एंटी एलिमेंट्स हैं, उससे रिलेटेड अगर हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है तो नुक्कड़ नाटक इज अ बेस्ट, बिकॉज नुक्कड़ नाटक में वॉइस रेज होती है, बेसिक लेवल से काम कर सकती है। आजकल लगता है कि मीडिया अपना वजूद खोती जा रही है, वो टीआरपी पे ज्यादा है, ब्रेकिंग न्यूज पे ज्यादा है, चटपटी खबरों पे ज्यादा है, तो आपको क्या लगता है कि मीडिया को किस तरह अपने आप को रिवाइव करना चाहिए, उनका काम क्या होना चाहिए? सर मीडिया एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम किसी भी मीडिया की बात करते हैं, चाहे वो प्रिंटिंग हो और चाहे वो जैसे कि आपने बताया मीडिया जो टीवी पे शो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो उनका रोल क्या होता है सर कि जो समाज में राइट है वो हमें राइट और रॉन्ग दोनों पर्सपेक्टिव बताए, क्योंकि क्या होता है कि रैशनल थिंकिंग एज अ मैच्योर पर्सन मेरी रैशनल थिंकिंग अलग है, आपकी अलग है, आपकी अलग, आप अलग सोचते, तो मीडिया का वे होना चाहिए कि वो हमें, तो अगर मान लीजिए मोदी गवर्नमेंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट है और आप गवर्नमेंट है, वो तीनों का पर्सपेक्टिव हमें बताए, उनके सही और गलत दोनों चीजें बताए, और वो डिपेंड हम पे करता है कि हमारा उसके बाद क्या पर्सपेक्टिव बनता है। सेकेंड थिंग सर जो भी बुराइयां समाज में है, सोसाइटी में है, वो हमें बताते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं वो बताना चाहिए, क्योंकि बुराइयां हर कोई निकाल सकता है, मैं बोल सकती हूँ आप में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, लेकिन उससे ओवरकम कैसे मैटर इज दैट। असु जी, ये हमारे संविधान में वाइस प्रेसिडेंट हाँ जी, जी के बारे में है, तो ये वाइस प्रेसिडेंट का क्या रोल है? सर वाइस प्रेसिडेंट का रोल मैं आपको समझाना चाहूंगी क्लासरूम के माध्यम से। जी सर, क्लासरूम के माध्यम से या एग्जांपल के थ्रू, लाइक मान लीजिए मेरी क्लास है, मेरी क्लास में मैंने एक मॉनिटर बनाया है ना, तो हो सकता है कि किसी भी कारण से वो बच्चा नहीं आया स्कूल, तो उस कंडीशन में क्या है कि मुझे किसी ना किसी और पर्सन की जरूरत पड़ेगी, कि मुझे क्लासरूम में अगर मान लीजिए अभी आर्ट एंड क्राफ्ट की मैम है क्लास में और मैं क्लासरूम में नहीं हूँ, तो उस टाइम की एक्टिविटी हो रही है मुझे वो जानने की जरूरत पड़ेगी, तो उस कंडीशन में मैं एक सब्स्टिट्यूट बच्चा रखूंगी, लाइक एक मॉनिटर है, एक सब मॉनिटर, राइट, वाइस मॉनिटर। तो वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट का काम होता है, अब प्रेसिडेंट हर जगह बनता नहीं रह,
सकती है, राइट? तो वाइस प्रेसिडेंट उनके जगह पे ऐसा रिप्रेजेंटेटिव वर्क कर सकते हैं, और हमारी लोअर हाउस है, अपर हाउस है, राइट? तो उससे रिलेटेड भी वर्क हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी संभालते हैं। तो मेनली ये है कि एक पर्सन हर जगह अवेलेबल नहीं रहता, तो इसीलिए कई पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कराए जाते हैं, इसलिए हमारे सिस्टम में भी फेडरल गवर्नमेंट। तो इसका मतलब ये है कि वाइस प्रेसिडेंट एक स्टेफनी का काम करते हैं, मतलब एक टायर को हटा दिया और स्टेफनी को लगा दिया, ये काम है सिर्फ एक वाइस प्रेसिडेंट का? सर एक्चुअली क्या होता है कि हर एक पार्ट इम्पोर्टेंट होता है। एज एन एग्जाम्पल अगर मैं अपनी फाइव फिंगर की बात करती हूँ, इसमें से अगर मैं एक भी हटा लूंगी तो मुझे प्रॉब्लम होगी लिखने में, मुझे काम में दिक्कत होगी। तो इट्स नॉट लाइक कि अगर मैंने एक टायर लगाया है उसका सब्स्टिट्यूशन मैंने दूसरा टायर लगा दिया, इट्स ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ये सरला नहीं कर सकते पूरी, और जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप पूरी नहीं कर सकते। तो वैसे ही हर एक पर्सन का अलग होता है, हम कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा ये बताइए, ये अपर हाउस में भी इनका कोई रोल है क्या? ऐसा अपर हाउस के सभापति होते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट जी जो होते हैं, अभी मिस्टर वेंकैया नायडू हैं। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में एक संशोधन हुआ है, उसमें जो है कि 10% आरक्षण की बात की है। जी जी ठीक है ना, तो उससे क्या जो अनएम्प्लॉयमेंट है उस पर कोई इम्प्रूवमेंट होगा? सर अनएम्प्लॉयमेंट की रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा ये स्टेप लिया गवर्नमेंट ने। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उन्हें नीड है, और इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जिनको रियली में नीड है ना उनके पास फैसिलिटीज जाएंगी। लेकिन यह है कि जितना अच्छे से ये पॉलिसी आई है उतनी अच्छे से अगर एग्जीक्यूशन होगा तो बेहतर रहेगा। क्या रिजर्वेशन उचित है? सर पॉजिटिव रिजर्वेशन, पॉजिटिव रिजर्वेशन इज ऑल अबाउट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, इट्स नॉट ऑल अबाउट डिस्क्रिमिनेशन। कि जैसे एक घर होता है, घर में अगर कोई बीमार हो जाता है तो मम्मी उसे एक्स्ट्रा पैम्पर करती है, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, राइट? वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है कि एक बच्चा तो हेल्दी है, लेकिन जो बच्चा बीमार है कम से कम अगर मम्मी उसे पैम्पर करेगी, अच्छे से रखेगी, तो वो बच्चा भी ठीक हो जाएगा। तो वही काम रिजर्वेशन का है। अब जो लोग पहले बहुत वीगन से अच्छा बिहेव नहीं करते थे लोग उनके साथ, मान लीजिए मैं किसी ऐसे तबके से बिलोंग करती हूँ जिनके साथ तो लास्ट टाइम मतलब जो भी पुराने जमाने में अच्छे से बिहेव नहीं होता था, इसका मतलब मुझे मिला ही नहीं चांस कि मैं अपने को अपलिफ्ट कर सकूं, राइट? तो अब 10 साल बाद जिन लोगों को चांस मिला वो तो ऊपर आ गए, और ऑब्वियस सी बात है अगर एज अ पेरेंट मेरे पास सारी सुविधाएं हैं तो मैं अपने बच्चों को भी अच्छे से रख सकती हूँ। तो उन लोगों ने रखा, लेकिन क्या हुआ कि जो जिन लोगों के पास नहीं था वो 10 ईयर्स बैक चले गए, राइट? तो गवर्नमेंट और कुछ नहीं कर रही, जस्ट उन लोगों को इक्विटी के लिए ला दिया कि अगर मैं फर्स्ट आ रही हूँ तो अगर जो बच्चा फेल की कंडीशन में अगर टीचर उसे एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, इट्स नॉट ऑल अबाउट डिस्क्रिमिनेशन कि मैं फर्स्ट आ रही हूँ मुझको तो ध्यान देने ही है, और जो बच्चा पढ़ भी नहीं रहा उसकी तरफ ध्यान दे रहा है टीचर। तो आशु जी आप छोटे बच्चों को पढ़ाएंगी, तो बताइए कि छोटे बच्चों को आप पैड टच और गुड टच के बारे में कैसे समझाएंगे? सब फर्स्टली अगर हम बात करते हैं पीआरटी प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं बहुत वी कैन से सेंसिटिव होते हैं, आप उन्हें डायरेक्ट नहीं बता सकते कि दिस इज गुड टच एंड दिस इज अ बैड टच। तो आप उन्हें बताएंगे कि बच्चे अगर आपके घर में दिस इज योर फेस, राइट? अगर आपके फेस पे कोई ऐसे टच कर रहा है दिस इज गुड टच, राइट? बट अगर कोई ऐसे करके टच कर रहा है और आपको फील आ रहा है कि ये गलत है तो यू हैव टू से दिस इज रॉन्ग, डोंट डू दिस, और आपको अग्रेसिव होना है। बिकॉज अगर फिर भी वो पर्सन नहीं मानता तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी मैम को बताओ, अपने पेरेंट्स को बताओ, अपने पापा मम्मी से शेयर करो, और उसके बाद से हम बता सकते हैं आपके फेस से जो भी नीचे का पार्ट है वो आपके पर्सनल पार्ट पे आता है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी आपको टच करता है तो बेटा वो गुड टच नहीं है, वो बैड टच है। और सर हमें ये नहीं है कि हम डायरेक्ट बच्चों को बता रहे हैं, हमें बच्चों को सेंसिटिव मोड पर जाके ये सब बताना पड़ेगा,
बिकॉज अगर हम बोलेंगे दिस इज अ गुड टच दिस इज अ बैड टच और उसके बाद वो बच्चा जाके अगर मतलब मान लीजिए रूट में गया है ड्राइवर ने जस्ट ऐसे ऐसे किया और बच्चा जाके घर पे बोल रहा है मम्मी ड्राइवर ने तो मुझे ऐसे ऐसे किया बैड टच था, उसके पेरेंट्स नेक्स्ट डे आते हैं और झगड़ा क्रिएट करते हैं जो भी इशू क्रिएट करते हैं. तो हमें बहुत सेंसिटिव नेचर में उन्हें बताना पड़ेगा कि हाँ बच्चे ये भी नहीं है कि अगर आपको कोई इतना सा टच कर रहा है तो आप जाके बताएंगे, तो थोड़ा सा मॉडरेट वे में हमें जाके डायरेक्ट करना पड़ेगा बच्चों को. आपने बच्चों के लिए कुछ तैयार किया है पोएम? जी बिल्कुल सर. करें सर कैन आई कंसीडर यू ऑल एज माय स्टूडेंट्स? या ऑफ कोर्स वी आर स्टूडेंट्स यू कैन कंसीडर. वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो आप सर? फाइन दैट्स ग्रेट. अच्छा स्माइल्स नजर नहीं आ रही सबके फेस पे? ओके लाफ करें एक बार, 1 2 3 स्टार्ट लाफ, 1 2 3 स्टार्ट. हा 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 से हा 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 हा. ओके डू वन थिंग, एक गेम खेलते हैं, आप जल्दी से टेक आउट योर पेन एंड पेपर, स्माइल बनाओगे अच्छी सी, इतने में मैम जस्ट बोर्ड को देखेगी और जैसे ही मैम टर्न होगी मैम देखेगी कि सबसे अच्छी स्माइल किसने बनाई है. ओके 1 2 3 स्टार्ट. आई एम ऑब्जर्विंग ईच एंड एवरीवन, डोंट टॉक. Yes, good. That's better, beta. That's good. Okay, stop. Okay, show me your picture. That's good. Wait, Virat ne bahut acha banaya. Acha, abhi aapne bhi bahut acha banaya, beta. Okay, do one thing. Just put your pen and paper on table. And put your hands on table like this. That's it. Okay. Just guess what is it? Yes, what is it? This is smile. Yes. Chavi, you tell me, beta, what is it? Eyes. Okay, eyes se kya karte ho aap? Dekhte ho na? Acha, ma'am dikh rahi hai na aapko? Acha, is anything missing here? Is yeah. anything missing here? There is no nose, ma'am. There's no nose, exactly. So, ma'am, ne ye banai? Nose. Is it okay? Yes. So, have you heard any poem related to nose? No? Okay. तो अब मैम आपको नोज से रिलेटेड एक अच्छी सी पोएम सुनाएगी और आपको भी मैम के साथ सिंग करना है. ओके स्टार्ट. आई लुक इनटू मिरर, लुक एट माय नोज. से लाउडली बेटा, आई लुक इनटू मिरर, लुक एट माय नोज. इट्स द फनीएस्ट थिंग द वे इट ग्रोस. इट्स द फनीएस्ट थिंग, हा हा हा. इट्स द फनीएस्ट थिंग द वे इट ग्रोस. Stuck right out where all of it shows. Two little holes where the same breathing goes. Say loudly, I look into mirror, look at my nose. How's the poem, beta? Okay, thank you, beta. Have a seat. So can I help? Yeah, can you. आपने नुक्कड़ नाटक में कोई कंसेप्ट आपका थीम? नुक्कड़ नाटक में आपकी थीम? सर नुक्कड़ नाटक में थीम था एक, फर्स्ट वन इज गर्ल्स एजुकेशन एंड सेकंड नुक्कड़ नाटक में डायरेक्ट में किया था रिलेटेड द्रौपदी. तो युवा क्लब क्या है? सर इट्स युवा क्लब. युवा क्लब में क्या होता है कि सर जो भी करंट इश्यूज हैं अवेयरनेस से रिलेटेड वर्क किया जाता है. इसमें लाइक अगर मान लीजिए मेरी स्कूल में अभी 12th के बच्चे निकलेंगे राइट, तो उन्हें गाइडेंस की जरूरत होती है, तो उससे रिलेटेड लाइक करियर मेला ऑर्गेनाइज करना या वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना जिससे बच्चों को डायरेक्शन मिले. बिकॉज सर क्या होता है, जैसे मैंने करियर मेला ऑर्गेनाइज किया था उसमें एक स्कूल में सारी टीचर्स अवेलेबल होती है, लाइक अकाउंट स्ट्रीम की भी होती है, इको स्ट्रीम की भी होती है, आर्ट स्ट्रीम की भी होती है,
तो दे नोस वेरी वेल कि उस ऑक्यूपेशन या उस एरिया में क्या स्कोप ज्यादा रहता है. तो उससे रिलेटेड हमने चार्ट्स बनाए थे वन बाय वन मैम से कॉन्टेक्ट करके, और जो भी उसमें एरियाज होते हैं वो मतलब वो हमने एग्जीक्यूट किए थे एक रूम में, जिससे कि वन बाय वन 12th A, 12th B, 12th C जो सेक्शन थे वो आके विजिट कर रहे थे और जो भी उन्हें डाउट थे वो उसके बाद अपने टीचर से भी डिस्कस कर सकते हैं. तो इट्स लाइक ऑल अबाउट द राइट डायरेक्शन. आशु जी, मैं जानना चाहता हूँ कि छोटे बच्चों की साइकोलॉजी को, मासूम है छोटे बच्चों, क्या होता है साइकोलॉजी? सर, छोटे बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, जैसे कि मैंने अभी भी बताया था आपको, तो हमें नीड होती है कि उस साइकोलॉजी को हम राइट डायरेक्शन में मूव करें, बिकॉज उन बच्चों को नहीं पता व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट. सो वी नीड टू टेल देम. अगर बच्चे आप ये चेयर है, ये पेन है, ये पेन मैंने आपसे बिना पूछे उठा लिया, तो मैं बताऊंगी बेटा आप ये पेन पहले मुझसे पूछ सकते थे, आप परमिशन ले सकते थे, उसके बाद आप ठीक करते. तो बच्चों की साइकोलॉजी, आप अलग से सोचते हो, आप अलग सोचते हो, इवन मैं भी अलग सोचती हूँ, लेकिन हमें नहीं होती है कि बच्चे जिस वे में सोचते हैं उन्हीं को डायरेक्ट करें सही वे में. बिकॉज अगर मैं उस बच्चे की साइकोलॉजी को अपनी साइकोलॉजी थोपूंगी तो वो गलत हो जाएगा. एंड अगर मुझे बच्चों के साथ एंजॉयमेंट करना है तो आई प्रेफर बाल गीत एंड लाइक जो बच्चों के गाने होते हैं, लाइक चंदा चमके चम चम चीखे चो करना चो चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी को, तो मैं उस टाइप की म्यूजिक पसंद करती हूँ. अच्छा, ये बोर्डमास का परफॉर्म क्या है? सर, बोर्डमास का मतलब जैसे निमोनिक्स होते हैं, अगर कोई चीज़ हमें सिस्टमेटिकली हमें याद नहीं होती तो हम उससे अच्छे से मेमोराइज करने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक बनाते हैं, तो वो बोर्डमास वही ट्रिक है जिसमें हम बच्चों को पहले बताते हैं कि ब्रैकेट देन ऑफ, ऑफ इट मीन्स मल्टीप्लाई, डी से डिवाइड एंड एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन, उसी के अकॉर्डिंग आप चलते हैं तो आपका जो कैलकुलेशन होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है. अगर बोर्ड मास से रिलेटेड से पहले से एक वी भी आता है, वी का मतलब होता है जो बड़ा ब्रैकेट होता है उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं. अच्छा, आशु जी, गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आई है स्कूल्स में जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट धूप. प्रोजेक्ट धूप, धूप धूम धूम नहीं धूप, बच्चों को जब वो आते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे बैकग्राउंड से होते हैं कि उन्हें घर पे खाना नहीं मिल पाता, कोई भी नंबर ऑफ रीजन रह सकता, तो जब बच्चे की बेसिक नीड पूरी नहीं है तो हाउ इट इज इट विल बी पॉसिबल कि मैं बच्चों को बोलूंगी बच्चे आप यहाँ बैठो और जो मैं कह रही हूँ आपको सुनना है या आपको पढ़ना है सीखना है, तो बच्चे प्रिपेयर ही नहीं है. बच्चा तो पहले सोचेगा कोई खाना दे दे फिर मैं सोचूंगा कि हाँ भाई पढ़ना क्या. तो इसीलिए स्कीम भी चलाई गई. तो मिड डे मील में क्या होता है कि बच्चों को खाना दिया जाता है उनकी नीड के अकॉर्डिंग, लाइक अगर मैं फैमिली की बात करती हूँ तो 450 कैलोरीज एंड 12 ग्राम प्रोटीन. सर, मिड डे मील योजना की जैसे कि मैंने अभी बताया है कि कुछ बच्चा हमारे इंडिया में है सर कि पुअर पीपल्स का रेशो बहुत ज़्यादा है, और अगर मैं चाह रही हूँ कि राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत कि हर एक बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड हो, तो ये तो मतलब ये है कि मैं ख्याली पुलाव पका रही हूँ कि हाँ हर एक बच्चे को एजुकेशन मिलना चाहिए और मैंने बेसिक लेवल पे कुछ किया ही नहीं. तो हमारी गवर्नमेंट ये स्कीम इसीलिए ही लाई थी कि हर एक बच्चे को, अगर बेसिक नहीं बच्चे की कंप्लीट है तो बच्चा इजीली रेडी रहेगा पढ़ने के लिए. जैसे कि थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ रेडीनेस बताया भी है, अगर बच्चा रेडी ही नहीं है तो आप कैसे बता सकते हो. थोड़ा सा आपको जो है कि करेंट काम होता है जो है जैसे कुछ एजुकेशन से रिलेटेड
जो योजनाएं बन रही हैं आप इसी में से कुछ करिएगा, बाकी आपको बहुत अच्छा। थैंक यू सर।